हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर को कैसे डिवाइड किया जाता है, आखिर पावर शेयरिंग करना क्यों ज़रूरी है, और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा। ये चैप्टर बहुत छोटा है, सिंपल है, और इसे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कम्प्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है दो देशों की कहानी से, बेल्जियम और श्रीलंका से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेल्जियम की स्टोरी से। तो ये है बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है। इसके जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। दोस्तों, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये उतना ही छोटा है जितना कि इंडिया का हरियाणा स्टेट है, लगभग उतने ही साइज का है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो बेल्जियम में लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं। अब आप इस मैप को देखो, ये जो ऊपर का एरिया है वो है फ्लामिस रीजन। इसमें 59% लोग रहते थे जो कि डच भाषा बोलते थे। और ये जो नीचे का रीजन है वो है वलोनिया रीजन, जिसमें 40% लोग रहते थे जो कि फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे। और जो बचे हुए 1% लोग थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। अब आप जो छोटा सा एरिया देख रहे हो वो है ब्रुसेल, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। इसमें कंडीशन अलग थी। इसमें क्या था कि जो 80% लोग थे वो फ्रांस लैंग्वेज बोलते थे और जो 20% लोग थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो कंट्री थी उसमें मेजॉरिटी डच स्पीकिंग लोगों की ज़्यादा थी और जो कैपिटल थी उसमें मेजॉरिटी फ्रांस स्पीकिंग लोगों की ज़्यादा थी, मतलब उल्टा था। अब हुआ क्या कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ने लगा। अब टेंशन क्यों बढ़ने लगा, इसके दो कारण थे। पहला कि जो फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली ज़्यादा रिच और पावरफुल थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी से, जिस वजह से फ्रांस स्पीकिंग कम्युनिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी को सप्रेस कर रही थी। दूसरा कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसको इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का लाभ बहुत देरी से मिलता था। अब आप खुद ही सोचो कि अगर एक कम्युनिटी को ज़्यादा लाभ मिलेगा और दूसरी कम्युनिटी को कम लाभ मिलेगा तो क्या होगा, आपस में टेंशन और ज़्यादा बढ़ेगा। और ऐसा हुआ भी। 1950 से लेकर 1960 तक बेल्जियम में दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और जो कैपिटल थी ब्रुसेल उसमें कंडीशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती उससे पहले जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उसने थोड़ी समझदारी दिखाई और उन्होंने 1970 से लेकर 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार बदलाव किए ताकि कंट्री में शांति बनी रहे और कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई ना हो। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे बदलाव होते हैं। क्या क्या बदलाव होते हैं चलिए जानते हैं। तो पहला चेंज ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच और फ्रांस स्पीकिंग लोगों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे। दूसरा चेंज ये होता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ पास करना है तो वो दोनों ग्रुप्स की सहमति से ही पास होगा, किसी एक ग्रुप की मर्जी से वो पास नहीं होगा। तीसरा चेंज ये होता है कि बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे दी जाती हैं और स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। फोर्थ चेंज था कि जो कैपिटल थी बेल्जियम की ब्रुसेल उसमें एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटी के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। फिफ्थ चेंज था कि इन्होंने इन सब के अलावा एक और तरीके की गवर्नमेंट बनाई जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों ग्रुप्स के लिए अलग अलग बनाई गई थी जो कि अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड मुद्दों पर काम करती थी। तो बेसिकली अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो बेल्जियम में 3 तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, पर वो इतना अच्छा था कि इसके बाद बेल्जियम के अंदर जो दोनों कम्युनिटी थी उनके बीच में शांति बनी रहती है और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। इतने अच्छे सिस्टम को देखकर बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल को यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाने के लिए चुना जाता है। तो ये थी बेल्जियम की स्टोरी, जिसकी एक अच्छी या हम कह सकते हैं हैप्पी एंडिंग होती है। इसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी है जो कि है श्रीलंका की। तो ये है श्रीलंका। ये एक आइलैंड नेशन है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, हाँ लगभग उतने ही जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। अब हम देखते हैं इतने कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में किस किस तरह के लोग रहते हैं।
तो 74% जो लोग हैं वो सिन्हालाज स्पीकर्स हैं, मतलब जो सिन्हालाज लैंग्वेज बोलते हैं। 18% जो लोग हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं, मतलब जो तमिल भाषा बोलते हैं। तमिल स्पीकर्स भी दो तरह के हैं, तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका, मतलब वो तमिल्स जो पहले से ही श्रीलंका के निवासी। दूसरे इंडियन तमिल्स, मतलब ऐसे तमिल जो इंडिया के निवासी थे पर वे कई साल पहले श्रीलंका आ गए थे एज अ टी वर्कर और वे वहीं पर सेटल हो गए थे। और 7% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं, जो कि सिन्हालाज और तमिल्स दोनों ही भाषा बोलते हैं। जो सिन्हालाज स्पीकर्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, मतलब बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। और जो तमिल हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मिजोरी टेरिटरीज़ इन श्रीलंका। अब दोस्तों श्रीलंका में क्या हुआ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो मेजोरिटी को यानी कि सिन्हालाज को सपोर्ट करने लगी, उनके हिसाब से नियम बनाने लगी। तो क्या किया गवर्नमेंट ने, देखो फर्स्ट 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने सिन्हालाज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। सेकंड, गवर्नमेंट क्या करने लगी कि जो सिन्हालाज स्पीकर्स थे उनको फेवर करने लगी जॉब्स और एडमिशंस में। मतलब अगर दो कैंडिडेट ने सेम जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसमें से जो सिन्हालाज वाला होगा उसको वो जॉब मिल जाएगी, तमिल वाले को नहीं मिलेगी। तो देख रहे हो डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। थर्ड, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो धर्म के आधार पर भी भेदभाव करने लगी थी। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे नियम बना दिए थे जो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे और बुद्धिज्म को बढ़ावा देते थे, बाकी रिलीजन्स को इग्नोर किया जा रहा। तो ये तीनों पॉइंट्स को देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि श्रीलंका में गवर्नमेंट सिन्हालाज को सपोर्ट कर रही थी, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन सबको प्रमोट किया जा रहा था। वहीं दूसरे ओर तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। तमिल्स को ये लगने लगा था कि जो गवर्नमेंट है और जो मेजर पार्टीज हैं वे उनकी लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही हैं। और उनको तो ये भी लगने लगा था कि जो गवर्नमेंट है वो उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो जो ये तमिल लोग थे उनको लगा कि अब गवर्नमेंट तो कुछ करेगी नहीं, इसलिए उन्होंने खुद से स्टेप लेने शुरू कर दिए। तमिल्स ने क्या किया कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और डिमांड करना शुरू कर दिया। इनकी पहली डिमांड थी कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरी डिमांड थी कि उनके रीजन में सेपरेट गवर्नमेंट बना दी जाए। तीसरी डिमांड थी कि तमिल लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जैसा कि सिन्हालाज को मिलती है। लेकिन दोस्तों जो गवर्नमेंट थी उसने इनकी डिमांड्स नहीं मानी बल्कि तमिल्स की डिमांड को इग्नोर किया। तो तमिल्स ने कहा कि अगर आप हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे हो तो कम से कम हमारे लिए एक सेपरेट कंट्री ही बना दो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में, जिससे हम वहाँ पर खुशी खुशी रह सके। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए भी मना कर दिया। इस बात से जो तमिल्स थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिस वजह से ये दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ने लगती हैं और कंट्री में स्टार्ट हो जाता है सिविल वॉर, जिस वजह से कई हजारों लोगों की मौत हो जाती है और कई सारे लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ता है। इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल लॉस होता है। तो ये थी श्रीलंका की स्टोरी जिसकी बहुत ही बेकार एंडिंग होती है। तो दोस्तों अभी तक हमने दो स्टोरी सुनी, एक थी बेल्जियम की स्टोरी और दूसरी थी श्रीलंका की स्टोरी। दोनों ही देशों की स्टोरी लगभग सिमिलर थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक देश खुशी खुशी रहने लगा वहीं दूसरे देश में सिविल वॉर हो गया। तो इसका एक ही आंसर है जो कि है पावर शेयरिंग। बेल्जियम में क्या हुआ कि वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में पावर शेयर की, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी लड़ाई देखने को नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं होती है, जिस वजह से वहाँ पर सिविल वॉर देखने को मिलता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पावर शेयरिंग करना अच्छा है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि पावर शेयरिंग करना क्यों अच्छा है, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। तो इसके दो रीज़न है, प्रोडेंशियल रीज़न एंड मोरल रीज़न। तो प्रोडेंशियल रीज़न है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स। मतलब पावर शेयरिंग करना अच्छा है क्योंकि उससे सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा टल जाता है, जैसे सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहती है, जैसा कि आपको इन दोनों एग्जाम्पल से भी पता चल चुका हो। इसका मोरल रीज़न है, पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब पावर शेयरिंग बेस है डेमोक्रेसी का, मतलब डेमोक्रेसी सही ढंग से तभी चलेगी जब डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होगी। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा पावर शेयरिंग होगी गवर्नमेंट भी उतनी अच्छे तरीके से काम करेगी। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब किस किस तरह से पावर को शेयर किया जाता है। तो पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग।
इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पावर होती है उसे सेम लेवल पर डिवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों ऑर्गन्स में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इनके पास पावर बराबर रहती है, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। ये तीनों ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे पर नजर रखते हैं और चेक करते रहते हैं हर एक ऑर्गन को, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि कोई एक ऑर्गन ही अनलिमिटेड पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसलिए इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयर। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो गवर्नमेंट के अलग अलग टीयर्स में डिवाइडेड होती है। जैसे कि सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे देश की गवर्नमेंट होती है। फिर उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है। फिर होती है लोकल गवर्नमेंट, जो कि लोकल लेवल पर होती है। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। मतलब अलग अलग लेवल्स पर पावर शेयरिंग होती है। चूंकि ये पावर शेयरिंग वर्टिकल तरीके से होती है, इसलिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग बोला जाता है, और इसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे कि आपने बेल्जियम वाले केस में भी देखा था कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है वहाँ पर, वो भी इसी का एग्जाम्पल थी। सिमिलरली इंडिया में भी जो रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है वो भी इसी का कंसेप्ट है। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर बीकर सेक्शन को, जैसे कि SC, ST, OBC, इनको रिजर्वेशन मिलता है कंस्टिट्यूएंसी के अंदर, जैसा कि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो ये जो पावर शेयर की जाती है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, इसी को बोला जाता है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। लास्ट है पावर शेयरिंग अमोंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि जो पावर होती है उसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स में शेयर किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ताकि उनकी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो। इनफैक्ट इंडिया में भी आपको कई सारे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रेड यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन है, बिजनेस यूनियन है। इनके अलावा अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने के लिए और डिसीजन मेकिंग। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्लास 10th की वीडियोस आगे देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।